हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल आप सबका मेरे चैनल गल्फ़ी टीवी में। लेकर हाजिर हूँ कुवैत की एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट ख़बर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कोरोना के हवाले से लेटेस्ट अपडेट। कहा गया है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कहा है कि कुवैत में 24 घंटे में 10 लोग ठीक हुए हैं और अब कुल तादाद जो है वो 133 हो गई है। ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 133 हो गई है। और एक अपडेट ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि वो अपडेट ये है कि फ़्लाइट जो है ना, फ़्लाइट के हवाले से अपडेट है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये कहना चाहूँगा कि भाई, आप लोग जब ख़रीदारी करने जाते हैं मार्केट में, तो उस वक्त अपने चेहरे पर मास्क पहने, हाथ में ग्लव्स पहने और कम से कम 1 मीटर का फासला या फिर कहें डिस्टेंस बना कर रखें। ये आप लोगों की सेहत और आप लोगों की हिफाजत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कुवैत में तमाम फ़्लाइटें जो हैं वो चालू करने वाले हैं और चालू होने वाली है। वो तमाम हजरात जो कि अपने अपने मुल्क जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। अभी फ़्लाइट कब से चालू होगी ये नहीं पता, लेकिन वहाँ जो मीटिंग हुई, मीटिंग में ये दरख्वास्त थी, ये एप्लीकेशन दी गई थी कि फ़्लाइटें जो है वो दोबारा चालू कर दी जाएँ ताकि गैर मुल्की लोग जो हैं वो अपने अपने वतन जा सकें। तो ये उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और आप लोग को अगर पता लगाना है कि फ़्लाइट चालू हुई है या नहीं, तो उसके लिए ये करें कि आप ऑनलाइन टिकट चेक करें। अगर टिकट आपको अभी 1-2 दिन की दिखा रही है, जैसे आज की डेट के बाद अगर आप कल की देखते हैं और अवेलेबल है, तो इसका मतलब कि फ़्लाइट चालू हो गई है और आप लोग जा सकते हैं। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट था जो मुझे लगा आप तमाम हज़रात के साथ शेयर कर देना चाहिए, शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोग भी कुवैत के तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल गल्फ़ी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। यार, इतनी मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों को हर खबर पहुँचा सकूँ, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखें।